हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्टबुक के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में फिर से हम गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कि एक नवरत्ना कंपनीज है, हम सब जानते हैं इंडिया के सबसे बेस्ट कंपनीज महारत्ना एंड नवरत्ना कंपनीज होते हैं। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NFL के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा बहुत सारी रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकाली गई है। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसकी एप्लीकेशन फी रहने वाली है, यहाँ पर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, एग्जाम होगी या फिर डायरेक्टली इंटरव्यूज होंगे, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करना, और गवर्नमेंट जॉब है वो भी बेस्ट कंपनी के अंदर, तो भाई ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे अवेल कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर सर्च करना है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट नजर आएगी। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे एक बेहतरीन सी विंडो ओपन हो जाएगी उनकी वेबसाइट की। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो NFL नवरत्ना कंपनी। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, करियर के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप करियर के ऊपर क्लिक करोगे फिर से आपको एक बेहतरीन विंडो ओपन होगी। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है लेफ्ट साइड कॉर्नर में रिक्रूटमेंट इन NFL, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एक बढ़िया सी विंडो फिर से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट है या नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 सबसे टॉप में आपको नजर आ रहा है NFL 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर ये रिक्रूट की जा रही है। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन, मतलब यहाँ पर अभी ये स्टार्ट हो चुका है। व्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स नजर आएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये स्टार्ट हो चुके हैं 9 अक्टूबर से। इसकी लास्ट डेट याद रखना, ये लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की 8 नवंबर है। तकरीबन एक महीने का आपको ये टाइम दिया गया है, और एप्लीकेशन एडिट कर सकते हैं आप 11 नवंबर से, अगर तक कुछ गलती हो जाती तो 11 नवंबर तक आप उसे एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट है, देखो यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें तो आप मतलब हम साइंस स्ट्रीम से है, जैसे केमिस्ट्री सब्जेक्ट है हमारा, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बात करेंगे तो आप देखो ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए सबसे टॉप वाली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट Grade 2, ये पोस्ट है प्रोडक्शन के अंदर, ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम ये वाले पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट Grade 2 केमिकल लैब, और थर्ड स्टोर असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये 3 पोस्ट है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो पूरी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डाउनलोड करने की डाउनलोड करके आप रीच कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो देखो यहाँ पर है ना वैकेंसीज तो बहुत सारी है, लेकिन अलग अलग यूनिटी में निकाली गई है। NFL जो है अलग अलग यूनिट में है, अलग अलग शहरों में है, तो भाई अलग अलग जगह पर अलग अलग वहाँ पर यूनिट द्वारा यहाँ पर वैकेंसीज निकाली गई, बहुत सारे वैकेंसीज हैं। लेकिन हम सिर्फ हमारी बात करेंगे केमिस्ट्री की, जैसे यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन। तो जैसे हमारी ये जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट Grade 2 प्रोडक्शन, जिसके लिए हम केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या फिर साइंस स्ट्रीम वाले। यहाँ पर देखो इसका ये जो है ना ये बेसिक पे स्केल है, ठीक है, ये सिर्फ इतना ही नहीं रहेगा, ये बेसिक पे स्केल है, मतलब ये तो आपको मिलना ही है, लेकिन इसके साथ साथ और भी अलाउंस आपको दिया जाएगा, जैसे HRA है, बाकी का जो भी अलाउंस है मेडिकल अलाउंस, बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड रहेंगी। तो सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा, अच्छा खासा पेमेंट रहने वाला है भाई यहाँ पर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके साथ बहुत सारे अलाउंस भी है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर देखो यूनिट वाला ही मुझे लगता है बताना चाहिए कि अगर आप यूनिट द्वारा अगर देखना चाहते हैं, तो जैसे ये नांगल यूनिट है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये नांगल यूनिट के द्वारा यहाँ पर देखो केमिकल लैब के लिए है यहाँ पर रिक्रूटमेंट, और दूसरा है यहाँ पर प्रोडक्शंस के लिए, ठीक है। दूसरा यूनिट के ऊपर बात करते हैं अभी देखो, और सेम ऐसी स्टोर असिस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पानीपत यूनिट उसके लिए भी प्रोडक्शंस के लिए है, उसके बाद में केमिकल लैब के लिए स्टोर असिस्टेंट देखो यहाँ पर भी है पानीपत के लिए स्टोर असिस्टेंट,
आप अप्लाई कर सकते हो। और कौन कौन से यूनिट है, विजापुर यूनिट है, उसके अंदर भी आप प्रोडक्शन केमिकल लैब और स्टोर असिस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर भी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी डाली गई है, उसे एक बार जरूर देख लेना, आप ओपन कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पे देखो लिखा गया है कि जो मिनिमम बेसिक पे है, जो आपको मैंने अमाउंट दिखाया, उसके साथ साथ बिसाइड बेसिक पे कैंडिडेट विल आल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डेयरनेस अलाउंस, हाउस रेंट मतलब HRA, उसके बाद में कंपनी अकोमोडेशन और बहुत सारी चीजें है यहाँ पर, मेडिकल है, इनकैशमेंट बेनिशमेंट, कंट्रीब्यूटरी प्रोविजन फंड, ग्रेट्यूटी, बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको दिया जाएगा जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अगर हम बात करें, हमने बात करी थी पोस्ट की जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड प्रोडक्शन के अंदर, तो यहाँ पर एज लिमिट देखो याद रखना, एज लिमिट बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, तो मिनिमम 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 30 होना चाहिए। इसका जो क्वालिफिकेशन है ये सिर्फ BSc होना चाहिए, BSc, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन। अगर MSc भी होता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि MSc तो भाई BSc करके ही आए होंगे, लेकिन मिनिमम ये BSc होना चाहिए, यहाँ पर रेगुलर BSc होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट के वाले ये इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो दूसरी मैंने पोस्ट बताया था, बाकी वाले तो हमारे लिए नहीं है, लेकिन दूसरी जो पोस्ट है ये थी हमारी केमिकल लैब वाली, तो जहां पर देखो आपकी BSc डिग्री होना चाहिए लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए, बाकी सब्जेक्ट होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट BSc डिग्री विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट, जैसे हमारे यहाँ पर BSc केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन होता है, अगर आपके यहाँ पर नहीं होता लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट वन ऑफ द मेन सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, तो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी एज लिमिट सेम रहेगा। और स्टोर असिस्टेंट वाले यहाँ पर देखो फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएट इन साइंस कॉमर्स आर्ट्स, मतलब यहाँ पर साइंस से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, कॉमर्स से भी होते हैं आर्ट्स से भी रहते हैं, तो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टोर असिस्टेंट इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो तीन पोस्ट है प्रोडक्शन और उसके बाद में केमिकल लैब और थर्ड है स्टोर असिस्टेंट, और बेसिक्स पे मैंने बता दिया यहाँ पर काफी अच्छा रहने वाला है, और साथ ही साथ बाकी अलाउंस भी आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना कि एक बंदा सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं मैं तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूंगा और देखते हैं किसके अंदर किसी ना किसी के अंदर आ ही जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये यहाँ पर इन्होंने बताया। थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके इंफॉर्मेशन पढ़ देते हैं, एज लिमिट इन्होंने बताया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख चुके हाँ, फिर से ये पूरी एडवर्टाइजमेंट पढ़ लेना। हाँ इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशंस देखो 200 रुपीज रहने वाला है ऑनलाइन, यहाँ पर फीस आपको पे करना पड़ेगा हर पोस्ट, मतलब एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, तो चाहे प्रोडक्शन के लिए कीजिए, चाहे केमिकल लैब के लिए कीजिए या फिर स्टोर असिस्टेंट के, तो 200 रुपीज रहेगी, और जो भी ब्रांड के चार्जेस आपको लगाए जाके पेमेंट करते वक्त वो आपको भरना होगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका एप्लीकेशन फी की बात करी और ये कैसे अप्लाई करना है, तो NFL वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद में करियर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद में वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, करने के बाद में ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये देखो इन्होंने बताया है कि ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर अ पर्टिकुलर पोस्ट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर पोस्ट आउट, मतलब एक ही बार एप्लीकेशन ये एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी डिटेल्स है इन्होंने बताया कि ये कम्प्लीटली आपको करेक्टली फॉर्म फिल करना है, उसके बाद में एक बार आप डेट चली जाती है तो उसके बाद में आप एडिट कर सकते हैं। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ थ्रू 10th मार्कशीट आपका चल जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन BSc, अगर आप एम्प्लॉयमेंट हो तो उसके लिए, अगर है तो एक्सपीरियंस आपके पास, बाद में जहाँ पर आप काम कर रहे हो उसका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, और अगर PWD कैंडिडेट है तो, अगर आपको लिखने में परेशानी है, अगर आप लिख नहीं पाते हैं तो आपके राइटर के लिए ये यहाँ पर आपको भरना है, एक सर्विसमैन अगर है, JK डोमिसाइल अगर जम्मू एंड कश्मीर, अगर आप आपके पास डोमिसाइल है तो उसके लिए आइडेंटिटी प्रूफ, उसके बाद में फोटोग्राफ और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
अब यहाँ पर हम बाकी इसकी बात करते, जैसे यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको संभाल कर रखना है, जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसकी कॉपी, फी रिसिप्ट जहाँ पर आप फी पे करोगे उसकी रिसिप्ट, और साथ में जब एडमिट कार्ड आएगा तो ये सारी चीज़ आपको संभाल कर रखनी है, जब भी आपकी रिक्रूटमेंट होगी, जब भी हायरिंग होगी तो शायद इसकी पड़े, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन जो प्रोसीजर है, देखो ऑफलाइन OMR बेस एग्जाम, यहाँ पर जो एग्जाम होगी सबसे इम्पोर्टेंट ये ऑफलाइन एग्जाम होगी, और ऑफलाइन बेसिस के बेसिस पे यहाँ पर देखो इन्होंने क्या बताया है। ऑफलाइन एग्जाम होगी जिसके सेंटर देखो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं रांची, लखनऊ, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, उसके बाद बेंगलुरु, भोपाल, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, जयपुर, मुंबई, गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू, भुवनेश्वर, अमरावती, विजयवाड़ा, पटना और ग्वालियर, ठीक है। ये आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं, याद रखना। फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका वो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, सिलेक्शन ऑफ दी कैंडिडेट अपॉइंटमेंट शॉल बी मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे जिसके हाई मार्क्स होंगे जाहिर सी बात है तो कॉल आएगा, यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी है भाई, बस क्वालिफिकेशन अब आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है, आपको अच्छे मार्क्स लेकर आना है। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया है कि मेरिट लिस्ट लगाए जाएंगे, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्कोर मिनिमम 50% दैट इज 75 और मोर मार्क्स आउट ऑफ 150, 150 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, उसके अंदर आपको 75 से ज्यादा मार्क्स लेकर आने हैं तभी जाकर आपका यहाँ पर सिलेक्ट, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा आपको कास्ट के लिए रिलैक्सेशन जाएगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर पेपर पैटर्न भी था, ये पेपर पैटर्न अगर मिल जाता है तो उसके ऊपर बात करेंगे हम, बार फिर से पेपर पैटर्न के ऊपर बात करते हैं अगर मिल जाता है तो। देखो इन्होंने यहाँ पर दिया है पेपर पैटर्न, ये OMR बेस्ड रहेगा, द OMR बेस्ड टेस्ट विल हैव टू पार्ट्स, टू पार्ट्स के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है। डिसिप्लिन मतलब जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, जो भी साइंस है तो साइंस के, हमारा केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, केमिस्ट्री के रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और बाकी जो सेकंड पार्ट रहेगा वो एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। मीडियम जो रहेगा ये बाय लैंग्वेज रहेगा, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस पेपर मिलेगी। टेस्ट का ड्यूरेशन 120 मिनट्स रहेगा, 120 मिनट्स के अंदर आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मतलब लेस देन 1 मिनट आपको यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क रहेगा, मतलब 150 मार्क्स के लिए 150 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो आउट ऑफ विच 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स, मतलब 100 मार्क्स के लिए आपका सब्जेक्टिव रहेगा और 50 मार्क्स के लिए आपका एप्टीट्यूड रहेगा, ठीक है। 50 मार्क्स के लिए आपका एप्टीट्यूड, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, देर विल बी नो निगेटिव मार्किंग और रॉन्ग आंसर, यहाँ पर अगर आप रॉन्ग आंसर टिक करते हो तो यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, जैसे सेट के अंदर होता है, ठीक है। तो ये थी भाई कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्यूरी रहती है तो आप मुझे बता सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर शेयर कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ऐसी जॉब अपडेट्स जॉब के लिए सर्च कर रहे हो या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो लाइक CSIR, नेट, गेट एंड सेट एग्जाम एंड IIT जाम एग्जाम, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन एंड इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मिल जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग गाइस, टेक केयर एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट। इसकी जो PDF है मैं आपको ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, अरफा सर टेस्ट बुक, ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम के ऊपर या इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक भी मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर मैं आपको ये PDF जो है हाईलाइट करके, ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाए, ठीक है।